टीवी में मैं आपके साथ चंदा यादव खबरों की शुरुआत करती है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने रविवार यानी 31 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर पिता रामबिलास पासवान को याद किया। उन्होंने पिता के चित्र पर माल्या अर्पण करके तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इससे पहले चिराग पासवान ने शनिवार की देर रात माता रीना पासवान और पिता रामविलास पासवान के साथ वाले पुराना वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें दोनों उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। वीडियो के साथ उन्हें लिखा कि आज के दिन आपका पैर छूता था, आज आपको मिस कर रहा हूं। जन्मदिन पर चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान श्री राम और हनुमान का आशीर्वाद लिया। पार्टी के नेताओं ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर महावीर मंदिर दर्शन की कई तस्वीरें डाली। इसमें लिखा गया कि चिराग ने मंदिर में दर्शन किया और बिहार की उन्नति और खुशहाली की कामना की। चिराग के अचानक मंदिर पहुंचने पर दूसरे श्रद्धालु भी उनके एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। युवाओं ने उनके साथ सेल्फी ली। महावीर मंदिर में दर्शन करने के बाद चिराग पासवान श्री कृष्णपुरे स्थित घर लौट गए। वहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि की। घर पर समर्थकों की भीड़ लगी थी। चिराग पासवान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से कार्यकर्ता घर पहुंचे। इस दौरान चिराग ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने पिता को पथ दर्शक बताया और कहा वे बिहार के विकास की कामना करते थे, उनके सपनों को साकार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने युवा शक्ति पर जोर दिया। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।